अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ जी सर, बताइए, जैसे कल शिक्षा मंत्री की विकास रैली जो कुडाना में हुई थी, तो इसके बारे में बताइए सर, क्या कुछ खास? कल जो हमारे क्षेत्र में कुडाना में जो यहाँ के विधायक और शिक्षा मंत्री ने जो रैली करवाई थी, वो रैली हमारे मायने में यहाँ जनता के हिसाब से देखा जाए तो पूर्ण रूप से विफल रही है, क्योंकि इस रैली में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिस प्रकार से इसका नाम था कि विकास रैली। अब जहाँ तक विकास की बात आती है तो हम लगभग 5 साल का जैसे इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो हम उनको देखें तो पिछली भी जैसे 21 जुलाई को रैली हुई थी तो अनेकों घोषणाएं उसमें हुई थी, और उसमें जो 14 घोषणा थी मेन थी, उनमें से सिर्फ एक घोषणा को उठाया गया है जो है IMT खुडाना। और उसकी भी मैं थोड़ी आपको सच्चाई बताना चाहूँगा कि IMT खुडाना की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से इनके पोस्टर लगे गाँव में, इन्होंने नोता दिया तो एक बात उसमें लिखी हुई थी कि उसका उद्घाटन किया जाएगा IMT का, जिसको लेकर यहाँ की जनता को एक आस भी थी कि भाई यहाँ पर IMT बनेगी, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा या नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कल तक तो ये मान नहीं रहे थे कि भाई IMT नहीं बन रही, लेकिन जहाँ पत्थर का देखेंगे तो उसमें IMT का कहीं नाम नहीं है, उसमें IE का उद्घाटन औद्योगिक संपदा का जो है ना शिलान्यास हुआ है, और ये दावा कर रहे थे कि IMT का उद्घाटन होगा। तो इन लोगों को ये भी नहीं पता कि उद्घाटन कब होता है, नींव कब रखी जाती है, सिर्फ यहाँ की मेहनत की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पूरे शहर में इन्होंने पोस्टर लगवाए हुए हैं कि IMT का उद्घाटन जो है ना मुख्यमंत्री आ रहे हैं, औद्योगिक संपदा का कल वो उद्घाटन शिलान्यास का पत्थर लगा कर गए हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँ कि जैसे अखबार में खबर लगी हुई है, जैसे ये अखबार देख रहे हो तो इसमें एक बात लिखी हुई है यहाँ पे कि IMT के लिए 200 करोड़ रुपये जो है ना मुख्यमंत्री ने दिए, एक बार देखो 200 करोड़ रुपए, जबकि मेरे पास वो वाइट है मुख्यमंत्री की जो मीडिया से उन्होंने कहा था कि IMT, जैसे उन्होंने पूछा मीडिया के साथियों ने कि जी कल आज जो अपना बजट पेश होना है क्या उसमें IMT को लेकर पैसा रिलीज किया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा काम नहीं, ये HSIIDC जो अपनी गवर्नमेंट कंपनी हरियाणा की वो इसको तैयार करेगी। अब बात आ जाती है कि HSIIDC वो इसको कब तैयार करेगी, तो मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने उनकी कल पूरी साइड पे इस बात को सर्च किया है, क्या उन्होंने इसकी प्लानिंग की है, लेकिन अभी तक अब 10 मिनट पहले तक कि मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ, अभी तक जो HSIIDC की जो साइड है उस पर इसकी कोई अभी तक तैयारी नहीं हुई है, और न ही अभी तो तैयारी की बात हुई है कि न जो जमीन है जो किसानों से लेनी है या पंचायत से लेनी है, सबसे पहले तो अगर कोई संस्था आती है तो उसकी नींव जमीन में रखी जाती है, और जमीन उस संस्था के नाम होनी बहुत जरूरी है, पहले जमीन उस संस्था के नाम करवानी पड़ेगी, उसके बाद में इसके पूरी प्लानिंग मैप बनेगा, रूट मैप बनेगा कि कहाँ से इसमें रास्ता देना है, पूरा प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट तैयार होगी, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाती है उसके बाद में इसमें मैन्युफैक्चरर का काम स्टार्ट होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का काम किस आधार पर स्टार्ट किया जाता है कि जैसे IMT है तो एक टाउनशिप होती है, ये औद्योगिक क्षेत्र होता है, इसको डेवलप किया जाता है। अब हमारे यहाँ के लोग थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं और यहाँ के नेता भी कर रहे हैं कि बनेगी, लेकिन ये डेवलप, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कोई सेक्टर बनता है तो सरकार उसमें सिर्फ रोड बनाती है, सीवर डलवाती, लाइट का प्रबंध करती है। अब सेक्टर डेवलप कब होता है, जब वहाँ पर जिसने प्लाट लिया है जब उसमें रेजिडेंस बनाएगा तो सेक्टर डेवलप होगा, और सेम उसी तर्ज पर IMT है। इसमें क्या होता है कि ये औद्योगिक प्लाट तैयार किए जाते हैं, प्लाट तैयार होने के बाद में उनके टेंडर निकाले जाते हैं, तब उनमें कंपनी आती हैं, किस रेट पे जैसे टेंडर निकलेंगे, फिर कंपनी अप्लाई करती हैं, कंपनी वहाँ अपने नाम रजिस्टर करेंगी जमीन को, 2 एकड़ 3 एकड़ जितनी भी करती हैं, उसके बाद वो कंपनी स्थापित होती है, और जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब IMT वहाँ पर तैयार होती है और लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ चिंता वाला और सोचने वाला विषय ये है कि ये तो यहाँ के नेता और उनके पुत्र गुमराह करते रहे, जैसे अखबारों में उन्होंने ऐड दी, पोस्ट लगाया कि भाई हम IMT का उद्घाटन करवा रहे हैं, तो ये मैं बात बिल्कुल क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ IMT नहीं बन रही है, यहाँ औद्योगिक संपदा की सिर्फ नींव रखी गई है, और उसके भी ऑफिशियल पेपर वर्क अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि शिलान्यास तब हो पाता है जब जमीन संस्था के नाम ट्रांसफर हो जाती, तो हम मान लेते हैं कि ये शिलान्यास भी सच है। अब सोचने वाली बात ये है कि सरकार का जैसे बहुत कम समय बचा हुआ है तो तब तक क्या, जैसे आज भी मैंने देखा था कि भाई रस्ते के लिए जमीन लेनी है अलग अलग किसानों से, तो उनके रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, और जो गवर्नमेंट की जो जमीन है उसका भी अभी तक जो है ना पंचायती जो जमीन है वो भी ट्रांसफर नहीं हो पाई है, तो ये तो यहाँ के लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, यहाँ के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है कि भाई आपके क्षेत्र में IMT खुडाने में बन गई है, ऐसा
कुछ भी नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने HSIDC की साइड पे बताया कि तो कोई भी साथी इस बात को सर्च कर सकता है कि उनकी साइड पर अभी तक अगर हम IMT की बात करें तो मानेसर बावल रोड तक फरीदाबाद सोना और खरगोडा, ये हमारे हरियाणा में ये IMT हैं जो वहाँ शो करती हैं। अभी तक आप देख सकते हैं कि HSIDC की साइड पर खुडाना का कहीं भी नाम नहीं है। सबसे पहले तो जो इनकी प्लानिंग होती है, मतलब प्लानिंग भी नहीं डली है उस कंपनी पे जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है उसके वहाँ पर, तो आप देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल की मैं बात करूँ तो इस रैली में जो विकास रैली इसका नाम रखा गया था, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। और जो हमारी 21 जुलाई की जो घोषणाएं हुई थी उनमें सिर्फ एक घोषणा पर सिर्फ पत्थर लगाया गया है, और 13 जो हमारी अहम घोषणाएं थी वो अभी सारे के सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। सर, जैसे कि कल आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे और आपको बीच में ही रोक लिया गया, सर क्या कारण था? बिल्कुल, कल हम यहाँ अपने जो मुख्यमंत्री है हमारे हरियाणा सरकार के, उनसे हम मिलने गए थे। और परसों मैं बात करूं तो जैसे क्या हमारा कारण था कि जाना क्या था कि जैसे आप कहता है कि जिला मुख्यालय को लेकर हम पिछले काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं। हमारा मेहंदड़ एक ऐसा जिला है हरियाणा में जिसका खुद का हेडक्वार्टर दूसरी जगह है, और उसको लेकर यहाँ के जो है ना 200 गांव के आसपास की एक बड़ी समस्या है। उनको हर रोज छोटे से लेकर बड़े गांव के लिए नारोल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ हमारे मेंदड़ जो सब डिवीजन है वहाँ पर अधिकारी जिले लेवल के नहीं बैठते हैं। तो पीछे हमने इसका धरना किया, अनशन किया, तो जब 41वां दिन था तो यहाँ के जो स्टिंग MLA हैं हरियाणा सरकार के, जो शिक्षा मंत्री, वो हमारे बीच में धरने पर आए थे। और उन्होंने जो धरना समाप्त करवाया था वो इस आश्वासन से समाप्त करवाया था कि 10 फरवरी तक मैं एक नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार से जारी करवा दूंगा जिसमें जिले लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो मेहनत बैठने लग जाएंगे और यहाँ के लोगों को जो हर रोज की समस्याएं उसके लिए नारोल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो उनके 10 फरवरी भी चले गई, उसके बाद उन्होंने 10 दिन का समय और मांगा, 20 फरवरी भी चले गई, तो हमें मजबूरी वक्त 22 फरवरी को दोबारा से धरने में बैठना पड़ा। और 23 फरवरी को यहाँ जिले लेवल के जितने भी अधिकारी हैं और इनका जो जिला अध्यक्ष है शिव कुमार मेहता जी और DC साहब, सबको हमने लिखित रूप में जो इनकी विधिवत प्रक्रिया होती है वो सारी पूरी करवाई कि हम जो कमेटी के 5-7 जो आदमी हैं उनको नॉमिनेट करके आप मुख्यमंत्री जी से मिलाओ। तो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं शिव कुमार मेहता जी और DC साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपकी सारी रूपरेखा तैयार हो गई है और आपको सुबह 9:30 बजे आप एंट्री कर लेना, मिलवा दिया जाएगा, आपके पास वगैरह आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन जैसे हम वहाँ गए तो बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि जैसा पहले 23 दिसंबर की जो रैली थी कोरियावास में, जिस प्रकार से प्रशासन ने हमें वहाँ नहीं अंदर मुख्यमंत्री तक जाने दिया गया, सेम के सेम प्रक्रिया यहाँ पर रही। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमारी गाड़ियों को वहीं रुकवा लिया गया मौके पर, और पुलिस ने वहाँ पर हमें जैसे गिरफ्तार करके साइड में बैठा लिया कि जब तक आपकी रैली ये समाप्त नहीं हो जाती आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसमें बड़े चिंता का विषय है कि या तो प्रशासन और यहाँ की पार्टी के अध्यक्ष या मंत्री जी हमें मना ही कर देते कि भी आपको मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ कल बड़ा धोखा हुआ कि हमारे 2 दिन तक हमारी ये ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी करवाई, नारोल के चक्कर लगवाए, और जब वहाँ मिलने गए तो प्रशासन ने मना कर दिया। इस बात से एक बात स्पष्ट जाहिर होती है कि यहाँ के जो मंत्री है और मंत्री जी के जो पुत्र हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि भाई यहाँ की जनता में, मेंदड़ की जनता में उनको लेकर व्यक्तिगत रूप से भारी रोष है। और उनके बाद में दिमाग में ये बात थी कि कहीं ये जो मेहनत क्षेत्र के जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ की समस्याओं को मुख्यमंत्री से रखना चाहते हैं सामने, तो उनको मन में डर था कि कहीं आप लोगों की कोई बात मुख्यमंत्री के सामने न कह दें और कहीं उनके नंबर कम ना हो जाएं। तो इस बात से भयभीत होकर उन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया और हमें मुख्यमंत्री तक नहीं मिलने दिया। तो ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कब तक आप इस प्रशासन का आप दुरुपयोग करते रहोगे, एक दिन जब चुनाव का समय आएगा, बहुत कम समय रह गया, तो आप लोग प्रशासन कार्ड नहीं ले पाओगे जब आचार संहिता लग जाएगी। वोट लेने के लिए आपको गांव में भी आना पड़ेगा, जनता के बीच में भी जाना पड़ेगा। तो ये मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रशासन का आप दुरुपयोग करना छोड़िए और जो जनता के जो काम पेंडिंग है उनका समाधान करें। और इस प्रकार एक बात मैं उनको और भी क्लियरफाई करना चाहता हूँ कि हम दबाव मानने वाले भी नहीं है, चाहे प्रशासन से कितने भी दबाव बनवा ले हमें, चाहे वो कितनी भी उनके जो समर्थक हैं तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उनसे भी हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो हमारे मेहनड़ की जो हक की लड़ाई है हम पहले भी लड़ते आए और आगे भी हम जारी रखेंगे इसको। सर, विपक्ष के नेता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष के नेता को यहाँ आकर के शहर के बारे में सुध लेनी चाहिए थी और शहर में, जहाँ तक विपक्ष के नेता की बात है, मैं पहले भी कहता हूँ कि मेहनड़ का अगर विकास नहीं हुआ पिछले 40-50 साल में तो उसका सबसे मेन कारण मैं मानता हूँ और यहाँ की जनता भी मानता है कि विपक्ष का नेता यहाँ कमजोर है। और कमजोर की क्या बात करूं, विपक्ष का नेता यहाँ कोई है ही नहीं। जिस व्यक्ति को यहाँ विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, जिसको 50,000 के लगभग यहाँ की जनता ने वोट दिया था, वो विपक्ष का नेता तो गुड़गांव छिपा हुआ बैठे है।
पता नहीं उसको किस बात का डर है, या वो सरकार से डरता है, या उसने कोई पिछली सरकार में गलत कारनामे कर रखे हैं जिसका उसको प्रशासन का डर है कि कहीं तेरे पे कोई मुकदमे दर्ज न हो जाए जैसे उन पे पहले भी हुए थे, तो इस प्रकार का हो सकता है उसको भय है, या वो फिर रामविलास शर्मा ये दोनों मिले हुए हैं, इन्होंने अपना सिस्टम एक बना रखे। मैं तो पहले भी कई बार कहता हूँ कि वे रामविलास शर्मा और धान सिंह ये दोनों एक ही हैं, एक ही थाले के चट्टे बैठे हैं और ये मिलकर राजनीति करते हैं। इन्होंने कभी भी यहाँ की जनता की आवाज नहीं उठाई। जैसे जिला मुख्यालय की हमारी बात है तो 15 साल तक यहाँ धान सिंह ने राज किया, 25 साल इनका पूरा हो जाएगा। ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि एक बार भी इन्होंने विधानसभा में इस बात की आवाज नहीं उठाई कि ये जो जिला मुख्यालय ये मैनेड में स्थापित होना चाहिए और यहाँ जिले लेवल के अधिकारी बैठने चाहिए ताकि यहाँ की जनता परेशान ना हो। तो जहां तक विपक्ष के नेता की बात है, विपक्ष का नेता पूर्ण रूप से डरा हुआ है रामविलास शर्मा से, और क्यों डरा हुआ है ये बात वो बता सकते हैं। और कल उनकी एक छोटी स्टेटमेंट मैं देख भी रहा था, तो उन्होंने एक छोटा बयान दिया है मीडिया के, वैसे सामने नहीं है वैसे दिया है कि जो सब डिपो है वो शिक्षा मंत्री ने क्यों नहीं बनवाया। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप जो है ना 5 साल तक परिवहन और सचिव रहे थे, और उस टाइम हुड्डा सरकार होती थी और उनका भी बहुत बड़ा कद था और खुद का डिपार्टमेंट था, यहाँ सब डिपो के नाम से पैसे भी रिलीज हो गए थे, लेकिन यहाँ वाले पैसे मेवात में चले गए थे उठ के, वहाँ के जो विधायक थे दलीप खान वो लेके चले गए थे, और यहाँ वाला सब डिपो नहीं बन के वो सब डिपो बन गया था। तो मैं तो उनको कहता हूँ, उनको तो इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, जब वो अपने 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार में जब सेंटर तक कांग्रेस थी वो खुद सब डिपो नहीं बनवा सके और परिवहन के वो सचिव थे, तो इस बात से आकलन लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो विपक्ष के नेता है वो पूर्ण रूप से, मैं मानता हूँ कि पूर्ण रूप से विपक्ष की भूमिका निभाने में फैल रहे हैं, और नहीं वो जनता के बीच में आते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो तरह तरह के यहाँ के लोगों को लालच भी दिया जाता है, लेकिन अब की बार एक बात मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि मेंदड़ की जनता अब जाग चुकी है, वो अब अपना या तो राजनीतिक क्षेत्र दूसरी जगह देख ले, मेंदड़ में अब की बार उनकी पार नहीं पड़ने वाली। यहाँ की युवा और यहाँ की जनता अब जागरूक हो चुकी है, और यहाँ के क्षेत्र के जो युवा हैं वो अपने हक की लड़ाई अब लड़ना जानते हैं।